राजनीतिक सामाजिक सरोकार से भरपूर देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों से करेंगे आपको रूबरू। आइए रुक करते हैं आज के खबरों की ओर आपके अंदाज में। ताज़ा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीपी न्यूज 24/7। यहाँ इस वक्त की बड़ी खबर, विधानसभा के सामने समाजवादी पार्टी ने किया धरना प्रदर्शन। आज विधानसभा उत्तर प्रदेश के सामने समाजवादी पार्टी के सभी विधायकों ने किया महंगाई कोरोना काल में गंगा में विलीन लाशों पर बद इंतजाम, भाजपा के झूठे वादे एवं भाजपा के द्वारा बार बार बोलने को लेकर समाजवादी पार्टी के सभी विधायक ने भाजपा की झूठ को आईना दिखाने का खूब नारा दिया। वहीं आजमगढ़ गोपालपुर विधानसभा विधायक नफीस अहमद साहब ने सबसे बुलंद आवाज रखी। कोरोना काल के दौरान भारतीय जनता पार्टी की विफलता ऊपर उन्हें आईना दिखाया, साथ ही 2022 में भाजपा को अपनी की गई गलतियों से जनता सबक सिखाएगी। भाजपा सरकार नौकरियों में पिछड़े वर्ग का आरक्षण समाप्त करने का प्रयास कर रही है। अब तक जितनी नौकरियां दी गई उनको उनसे वंचित रखा गया। आइए देखिए योगेंद्र प्रजापति की खास रिपोर्ट। सुहाग को बचाने के लिए अपने मुंह से ऑक्सीजन दे रहे हैं, यही आईना दिखाना है कि आप कितने दिन तक झूठ बोलकर सरकार चलाओगे, कितना आप झूठ बोलोगे इस जनता से, इस जनता का कितना आप तिरस्कार करोगे कि आज जनता त्राही त्राही उत्तर प्रदेश में। पी न्यूज 24/7 सच्चाई कलम की नोक पर।